अगर बात की जाए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की लव स्टोरी की, तो रणबीर ने बहुत बार एक्सप्रेस किया है कि वो इतने भी एक्सप्रेसिव नहीं है, वो थोड़े इंट्रोवर्ट है और अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते पब्लिक में। अ टैरो रीडर टॉक्ड अबाउट हिज फ्यूचर वाइफ बैक इन 2010। द सोलमेट ऑफ रणबीर डिस्क्राइब्ड एज एन इमोशनली लविंग पर्सन विद हर ओन इंडिपेंडेंट करियर, हु जो उनके वर्क को समझता हो और जो उनको सारी नेगेटिविटी से दूर लेकर जाएगा और उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाएगा। और अगर देखा जाए तो आलिया में ये सब है, वो इमोशनली इंडिपेंडेंट भी है, उनका अपना एक सक्सेसफुल करियर है और वो रणबीर की लाइफ में एक तरह से स्टेबिलिटी ला रही हैं। आई नो दैट सेलिब्रिटीज आर हेटेड जस्ट फॉर एग्जिस्टिंग एंड वी हैव सच नेगेटिव अजम्पशंस अबाउट देयर लाइफ, विच इज वन रीजन वाई सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड, कि रणबीर आलिया से प्यार भी करते हैं, रणबीर आलिया के साथ खुश भी हैं, या फिर रणबीर कपूर मैनिपुलेटिव हैं और वो आलिया को उतनी भी रिस्पेक्ट नहीं देते जितनी आलिया और हम चाहते हैं। ड्यूरिंग द प्रमोशंस ऑफ ब्रह्मास्त्र रणबीर ने आलिया भट्ट के वेट पर मॉक किया था। उनका एक यूट्यूब लाइव सेशन चल रहा था और आलिया भट्ट वॉज आंसरिंग वाई द टीम इज नॉट एक्सटेंसिवली प्रमोटिंग द मूवी। जैसे ही उन्होंने फेल आउट वर्ड यूज किया अपने आंसर में, रणबीर ने जल्दी से इंटरप्ट करते हुए कहा, वेल आई कैन से समबडी हैज फेल आउट। ये सब उन्होंने आलिया के वेट गेन पर कहा था कि आलिया अब मोटी हो चुकी है जस्ट बिकॉज शी इज हैविंग अ बेबी, जिस पर रणबीर कपूर की बहुत सारी नेगेटिव क्रिटिसिज्म हुई थी। और रणबीर कपूर का ये बात को काट के इंटरप्ट करके किसी के इंसल्ट करना एक पैटर्न देखा जाता है। उनके इंटरव्यूज चाहे कैटरीना कैफ के साथ देख ली जाएं, चाहे दीपिका पादुकोण के साथ या फिर अनुष्का शर्मा के साथ, वो सब लेडीज की बात को काट कर फिर अपनी उस पे कमेंट्स करना जरूरी समझते हैं। और हाल ही में उन्होंने गुड टाइम्स से बात करते हुए कहा कि वो चाहते हैं उनकी बेटी राहा आलिया भट्ट की तरह दिखे जरूर, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी आलिया भट्ट की तरह ना हो, क्योंकि वो सोचते हैं कि आलिया भट्ट की पर्सनैलिटी बहुत ही लाउड है और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की पर्सनैलिटी उन पर जाए, क्योंकि वो दो आलिया भट्ट को झेल नहीं पाएंगे घर पे। ऐसी बात पब्लिक में कहना बहुत ही डिमीनिंग लगती है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो चेहरे के बाद हम उनकी पर्सनैलिटी को ही अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वैसे ही लगें जैसे जिनको हम प्यार करते हैं। लेकिन रणबीर कपूर ने जब ऐसी स्टेटमेंट पास की तो इस वजह से उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हुए कि वो क्यों नहीं चाहते कि उनकी बेटी आलिया भट्ट की तरह बिहेव करे। हो सकता है ही डिडंट मीन दैट, और जस्ट बिकॉज उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसा स्टेटमेंट दिया इस वजह से लोग उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सो इट मीन्स ही नीड्स टू स्टॉप थिंक एंड देन स्पीक अबाउट हिज वाइफ एट एनी पब्लिक प्लेटफॉर्म, बिकॉज वो ये कभी नहीं कहेंगे कि उनकी मम्मा नीतू कपूर बहुत लाउड है और उनकी राहा बेटी उन पर नहीं जानी चाहिए, बिकॉज ही इज़ वेरी कॉशियस अबाउट दैट। तो उनको ये सब बातें आलिया भट्ट के बारे में भी नहीं कहनी चाहिए। हाल ही में vice.com के साथ इंटरव्यू करते हुए आलिया ने बताया कि उनको अपना गुस्सा कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रणबीर कपूर ज़रा सी भी ऊंची आवाज़ उनकी बर्दाश्त नहीं कर पाते। और तो और, जब आलिया वोग इंडिया के लिए एक मेकअप ट्यूटोरियल कर रही थी तो उन्होंने बताया कि कैसे रणबीर कपूर उनके लिप्स पर लिपस्टिक लाइक नहीं करते, और जब वो उनके बॉयफ्रेंड थे और वो डेट्स पे जाती थी तो वो हमेशा आलिया भट्ट को टोकते थे कि अगर तुम्हें मुझसे मिलने आना है तो प्लीज़ रिमूव योर लिपस्टिक, वाइप इट ऑफ। अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो रणबीर कपूर बहुत ही मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक लगते हैं रिलेशनशिप में, कि वो अपनी वाइफ को पूरी तरह से ओवरशैडो करना चाहते हैं और डोमिनेट करना चाहते हैं। रणबीर कपूर ने बहुत सारी पास्ट में रिलेशनशिप्स में गलतियां की हैं, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड्स ने उन पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं और अब उनकी मैरिज में भी उन पर बहुत सारी क्रिटिसिज्म हो रही है। अगर रणबीर कपूर एक्सप्रेसिव नहीं है तो उनको नेगेटिव इमोशंस भी एक्सप्रेस नहीं करने चाहिए पब्लिक में, अगर वो पॉजिटिव नहीं कर पाते। आई होप वो इस बात का ध्यान रखना शुरू कर दें और उनकी मैरिज बहुत ही ज़्यादा फ्लॉरिश करे और वो हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।